जो मैंने काढ़ा दिलाया था मम्मी ने तोड़ दिए। खा खा के मेरा कि मुंह दिखाई वाला सीन। मुंह दिखाए में मैं भाभी को दूंगा दूसरी भाभी। पच्चीस मान हल्दी का मैं करूंगा। बोलो दो ही दे सकते। ये तो 10 रुपया रखेगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं अभ्रेश और हम है फोकस। सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ तो गाइस आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले कि मेरी शादी के लिए अभी तक कितनी चीजें हुई है, कितनी चीज बाकी है, कितनी चीज करना है, कितनी चीज हुई यानी मतलब सब कुछ तो बाकी है करना। हाँ हाँ, लेकिन सब कुछ कैसे, शादी का हॉल बुक हो गया है। मेन चीज तो वही है, शादी के खाने की बात बाकी है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों को बता दें। खाना है ब्रो। हाँ, खाना ही है। तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी है दुल्हन का ड्रेस, बाकी है बारी का सामान लेना, बाकी है और अभ्रेश हम लोगों को गिफ्ट देने वाला है वो बाकी है ना। मुस्तफाब देवा सबको दूंगा, सबको गिफ्ट देने वाला हूँ गाइस। मैं सबको कुछ ना कुछ देते रहूंगा। शादी में सब्सक्राइबर लोग को भी बुलाने वाले गाइस, वो भी बाकी है। और वो उसके लिए एक टास्क रहेगा, वो हम लोग आपको बताएंगे, वो करना रहेगा। तो हम लोग वो लकी विनर को हम लोग वो शादी की दावत दे देंगे, है ना। चलो गाइज अभी आप लोगों को बता दें कि घर में क्या चल रहा है, और घर में इन लोग के सबका रिव्यू क्या चल रहा है, इन लोग सबके दिमाग में कि इन लोग को क्या क्या करने है। क्योंकि मेरे को तो शादी में अपनी दुल्हन के लिए डांस करने गए, वो तो कंपलसरी है कि मैं करूंगा ही करूंगा। तो जल्दी फेस रिवील होने वाला है गाइज। तो वो फेस रिवील के बाद इतनी सारी यादें कुछ चीज की है जो हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। तो बस अभी देखते हैं लोगों क्या चल रहा है यहाँ पे। शादी की शॉपिंग ऐसा लग रहा है ज्यादा ही जोरों जोरों से चालू हो गई है। और मामू मानी कहाँ गए? मम्मी डैडी गए काम पे, मम्मी गए बॉम्बे। क्यों? काम से दावत है मम्मी लोग की। अच्छा, भी थी लेकिन मैं गया नहीं। तो मामू मानी मामू लोग की सबकी दावत है। और अमन और भाभी भी वही है ना? सही है सही है। ए तुम लोग क्या सोच रहे अभी शादी से रिलेटेड? मेरी शादी से रिलेटेड सबसे पहले तो ये सोच रहे कि घर में खाना अच्छा अच्छा मिलेगा, घर में टाइम पे खाना मिलेगा। चमाट दूंगी ना तेरे को। क्या हुआ? क्यों बोल रहे? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तेरे को देखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। खा खा के मेरा। ए तेरा क्या? मैं ऊपर वाले से सब ऊपर वाला चाहिए। तू देने वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला तूने बनाने वाला ऊपर वाला। मेरे हाथ का खा खा के क्या बोलते हो? नमक ऐसा सुना मत, ऊपर वाले के जरिए तू हम लोग को खिला रही है, ऐसा बोल मत। मेरे हाथ का ऊपर वाला दे रहा है तो ऊपर वाले की बुराई नहीं करनी का। नहीं वो तो तेरी बुराई कर रहे हैं। प्लानिंग ये चल रही है कि भाई की शादी में अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने का और डांस की बात है, ठीक है। ये सब सब बात की बात है। पहले ये बता भाई को गिफ्ट क्या देगा? बस यही बोलने ही जा रहा था इन लोग से, पूछता कि शादी में मेरे को गिफ्ट क्या देने वाले। हल्दी का मैं करूंगा। अच्छा, पूरी हल्दी का खर्चा जाहिद अक्षर भाई उठा रहे हैं। 2 दिन का ना? 2 दिन का। हाँ, जितने दिन हल्दी करने वाले हम लोग सोच रहे कि 5 दिन पहले हल्दी करे हुए, 5 दिन तक पूरे हल्दी खेलते रहे। बस अक्षत कर रहे इस वजह से। तो गाइस मेरी शादी का खर्चा अक्षत उठा रहा है और हल्दी का हाइफा 1 मिनट मांग रही है गाइस। मैं 1 मिनट नहीं दूंगा उसको, दे देता हूँ। चलो तो गाइस मम्मी से भी पूछते, मम्मी आप मेरे को शादी में क्या दे रहे? दुआ। बोलो दुआ ही दे सकते। इतना बड़ा कर दिया और क्या मांग रहे हैं मम्मी से? और तो दो मेरे को ऐसा कि मेरे को बोलो तुम मेरे को गिफ्ट दे भोला के, ऐसा बोलो। अरे नहीं ये रखो। तो गाइस मम्मी ने ना किससे मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? मां से। मां का दिल बहुत बड़ा है, मां का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत इतना बड़ा है गाइस जो मैंने काढ़ा दिलाया था मम्मी ने तोड़ दिया। एक हाथ में पहने दूसरे हाथ में पहने नहीं है क्योंकि दूसरा वाला मम्मी ने तोड़ दिया, अभी वो बनवाने देना पड़ेगा। ओए आपने आप टूटा वो लाए हुए 1 महीना नहीं हुआ मम्मी और वो सोने का काड़ा तोड़ दिया आपने। चलो तो मुझसे जाब तू क्या दे रहा मेरे को? अरे मुझसे जाब छोड़ पार्टी को पकड़ मम्मी, हटो जरा हटो पकड़ो। मालदार है मेरे से जो होएगा तो वो क्या होएगा? तेरी मांग क्या है वो बता दे। देखो भाई मैं सबसे मुझसे पूछ, अंगूठी चाहिए पैसा चाहिए? वो बोला पैसा। मैं गाइस मैंने हाइफा से 70,000 मांगा हूँ, उदापी से 70,000 मांगा हूँ, ठीक है। हाइफा तू कितना देगी? मैं से जितना हो पाए।
क्या बात कर दी है मैं? ये जो भी आ रही है पहले हाथ में आ जाना चाहिए। अब तो क्या शादी आने वाला है? जो भी है मुंह दिखाई वाला सीन है, भाभी की मुंह दिखाई वाला सीन है। आपको सेव कर लिया हम लोग ने। आईफा कितना 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 दे रही है? तो फिर ये मुंह दिखाए वाला शॉट समझा नहीं मेरे को क्या बोल रही है। अरे मुंह दिखाए वाला शॉट बता। अरे मतलब भाभी की मुंह दिखाई में देखा है क्या? भाभी गिफ्ट मांग रहे हैं मुंह दिखाई तो देखा भाभी की मुंह दिखाई हुई वो तो देना ही है। देखो शादी का गिफ्ट भी देने का रहता है मुंह दिखाई घर वाले मुंह दिखाई भाभी को जाएगी। मुंह दिखाई भाभी को जाएगी। शादी का गिफ्ट क्या है वो बता। सब मुंह दिखाई गया। अरे मुंह दिखाई गाइस मैं एक काम करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ शादी के वो शादी में ना एक बैनर लगा देता हूँ अपना ना UPI लगाता हूँ स्कैनर लगाता हूँ जो अंदर आएगा उसको बिगर पैसे और इसकी लिमिट रखेंगे 50,000 उसके नीचे नहीं करने का। अरे QR कोड अरे ऐसा रहते ना सेट कर लेते हम लोग का काम वाला बन गए बुझ जाएंगे साहब हम तो बर्तन धोने आए अच्छे से सन धर लिए मॉडर्न काम वाले हम लोग को हायर करने ही लोग को 2-3 करोड़ लग जाएंगे। इधर बताया तो अभी भाई जी आप बताओ क्या ये रूप मम्मी कुछ दे रहे बताओ। मैं बोली इसको अंगूठी दे दे या तो कुछ पैसा दे दे। पैसा देने का उसको शादी में और उसको मुंह दिखाई में अंगूठी दे देना। इतने मालदार नहीं है दोनों में। अच्छा गाइस आप लोग के घर में ऐसा होता है कि दुल्हन और दूल्हा एक रूम में बैठ जाते हैं शादी के बाद फिर सब एक एक बार आके ना मुंह दिखाई देते। दूसरे दिन होता है दूसरे शादी के बाद होता है लेकिन ये मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। शादी के दिन कहाँ से रूम मिलेगा जाके रूम में बिठा देंगे। नहीं भाई अपन ना वो वाली अच्छा वैसा वाले ही करेंगे। हाँ। वैसा वाले ही करेंगे कि रूम में हम लोग दोनों बैठे हैं तुम लोग आके ना मुंह दिखाई दे है ना। हाँ। तो चाहिए या पैसा चाहिए बोल दिया भाई सामान चाहिए आप मेरे को क्या दोगे वो तो मेरी बात कर रहे हैं। सुन तो क्या करेंगे मुंह दिखाई मेरे पास एक अच्छी वो डन। तो गाइस मम्मी को मैं पीछे से ऐसा करके पैसा या कुछ दे दूंगा मम्मी दे देना टेंशन नहीं है। वाह मम्मी तेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा बात है तेरा तेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। हां वेरी गुड मां कैसे मेरे को सिर्फ मेरा ही सुनाई ना है वो मेरा ही है मम्मी का सब काम करती रहती है मेरा आते मम्मी मैं आपके काम करती हूं। हां चले जाते हो इतने टाइम से नाक पार उदापी से पूछना पड़ेगा उदापी क्या देगी। उदापी का वीडियो कॉल लगा ना अभी शायद लेके रखी है तो गाइस उदापी ने मेरी बीवी के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेके रखी है लेकिन उसने शादी का गिफ्ट नहीं शादी के गिफ्ट के लिए फोन किया। शादी का नहीं वो एक ही गिफ्ट बोली तेरी औरत को जो देगी वही एक ही गिफ्ट है मेरे से पूछ मेरे को पता है। अच्छा तभी लोग दोनों ने आपस में प्लान यही काम करी आपस में नहीं प्लान मैं तेरे से पैसा लूंगा यही क्या दोनों उसकी सोच जो देगा चुपचाप ले लेना नैया नहीं फिराते हैं चीज रोकते नहीं 1 लाख रुपया तो ये देना अरे हाँ तू क्या दे रहे वो हम लोग की बात हो गई है ये तो 10 रुपया रखे ना 1 लाख रुपया क्या कुछ नहीं पता की बात हम लोग को व्यूअर्स को बता हो गई है व्यूअर्स को बता वो हम लोग की पर्सनल बात हो गई व्यूअर्स को बता पर्सनल नहीं है यहाँ पे व्यूअर्स बात हो गई है देख ये बात हो गई। भाभी को iPhone 15 Pro Max चाहिए मुंह दिखाई के टाइम रुक जा सितंबर में लेकिन कोई निकलेगा जो वक्त रहते उसी वक्त सब होना चाहिए मोदी और भी बात मोदी लेना पड़ेगा। हाँ तो मैंने तो देख चुका हूँ देख चुके लेकिन फिर भी तो देना है। अच्छा अच्छा शादी दे देंगे क्या है चल बोल क्या बोल बोल क्या दे रहे वो हम लोग की बात के लिए बात होगी 2 लाख रुपया 1 लाख कम बोल दी। मम्मी आप मेरी हल्दी वल्दी की बात हो गई हल्दी अच्छा मैं, है मैंने सोच लिया देखो क्या गिफ्ट दे रही मुंह दिखाई मैं भाभी को क्या गिफ्ट दूंगा मैं सुन पहले मुंह दिखाई मैं भाभी को दूंगा दूसरी भाभी हम लोग को तो बताया भी नहीं।
निशान कुछ और बोल रहा था लेकिन निशान की वजह से सच्चाई निकल गई। इसको नहीं बिगाड़ लो, भाभी को स्वतन लाके दे रहा हूँ। मम्मी देखो भाभी क्या बात है, निशान ले लेंगे। गाइस ये सब मेरी बोली नहीं है, ये सब मेरी बोली नहीं है भाभी, ये सब मुझे किसी ने बोलने बोला है, ये सब मुझे किसी ने बोलने बोला है। औरत के साथ निशान अपनी औरत को भी लेकर आ जाएगा। गाइस ये बोले इसने ट्विस्ट करके बताया है। मम्मी आप बताओ आप क्या बोल रहे थे, आप हल्दी में मेरी हल्दी में डांस करेंगे ना आप? मेरे मेरी कौन से गाने पे करेंगे? सरप्राइज है, बोल दो सरप्राइज है। फिर भी डांस तो मैं कुप्पी देंगे गान नहीं। सरप्राइज क्या है वो टाइम के लिए सरप्राइज है। आईफा डांस सिखाएगी तो सिर्फ चलने का और लिपसिंग करने का। वो जोड़ी में लगी होई डुमका भी मारने नहीं आते। शादी का कपड़ा क्या दिला रहे इसको? शादी अबे तेरी शादी हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हस्बैंड दिलाएंगे, चल अपने पति से मांग, पति से मांग। शादी का कपड़ा मम्मी बोल दो, शादी का कपड़ा दिला देना। एक दिलाएगा पांच भाभियों को। भाभी महा तो मैं भी भाभी बन जाऊंगा। ये ना लोग शान भाई अपनी बीवी ले भाभी, मतलब मैं तो खुद मांगने निकला था, इन लोग मेरे ऊपर ही बॉन्ड डाल के छोड़ दिए। शादी में भी खुद का अच्छा करो, शादी से पहले भी खुद का अच्छा करो, और शादी के बाद सबसे बड़ा खर्चा करो। सबसे खर्चे खर्चा है। हो गया आपकी बात, जल्दी मांगो अल्लाह से। आप मांग से मान से पैसा चाहिए 100 करोड़ देगा तो चल जाएगा एक दो साल। हो गई आपकी बात। तो गाइस आप लोगों को बहुत चीजें पता चल गई रहेगी इसके बीच में ही, तो अभी के लिए ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। करते हैं हमारे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल लाइक। अल्लाह हाफिज़।